अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको चटपट तैयार होने वाली रेसिपी बता रहे हैं रमजान की, जो जल्दी तैयार हो जाता है पराठा। हम उसमें एक अंडा लेंगे, हम मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। एग को हमने अच्छी तरह बीट कर लिया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। एक चुटकी डाल दीजिए अजवाइन की, इससे टेस्ट अच्छा होता है। अच्छा, अगर हम मैदे से सिर्फ पराठा बनाते हैं तो वो अकड़ावा होता है, सॉफ्ट नहीं होता, वो अकड़ जाता है। इसके अंदर हम डालेंगे व्हाइट फाइन आटा। फाइन आटा आप जितना अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप खुद डालेंगे। इसके हमने एक ये इस तरह का हिसाब लिया है मैंने चम्मच का, और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसी हिसाब से हम मैदा डालेंगे। मैदा डाला था डेढ़ चम्मच, और एक चम्मच जो है हम फाइन आटा डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम दूध से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इसमें हम एक चुटकी नमक डालेंगे, चीनी दो चुटकी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम दूध से इसको मिक्स करेंगे। ये सब मिक्स हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसमें कोई गुटली ना रह जाए। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे ताकि अच्छा लगे पराठा। जला के सॉस पैन रख दिया है, इसमें हम घी डालेंगे। अगर शहरी में आप लोगों की आंख ना खुली हो तो झटपट पराठा बनाइए और मजे से खाइए। ये देखिए, इसको गर्म होने देंगे। देखिए घी गर्म हो चुका है, अब हम जो बैटर बनाए थे इसमें डालेंगे। इसको फैलाएंगे, अच्छी तरह इसको फैला लेंगे हम। इसको हमने अच्छी तरह फैला लिया, अब ये पक रहा है। जब ये थोड़ा पक जाए तो फिर हम इसको पलटाएंगे। ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। ये रमजान मुबारक के लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, क्योंकि ये पराठा थोड़ा हैवी होता है। ये देखिए, अब हम आपको प्लेट में निकाल के बताते हैं। पराठा बहुत सॉफ्ट है, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, नए रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।